नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करने जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। दरअसल चुनाव हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और छात्र राजनीति उन लोगों के लिए पहली पाठशाला जो भविष्य की राजनीति के गुण इस पाठशाला में सीखना चाहते हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव भी अब भारतीय चुनावी राजनीति की तर्ज पर विसंगतियों से जूझने लगा है। छात्र संघ चुनाव का राजनीतिकरण हो चुका है। धन बल, सत्ता और जातिगत आधार पर चुनावों में हार जीत का गणित उलझ कर रह गया है। छात्र हितों से जुड़े मुद्दे कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीति की चकाचौंध में खुद को स्थापित करने के लिए छात्र नेताओं के लिए छात्र संघ चुनाव मात्र एक जरिया बनकर रह गया है। अब तो ऐसा लगता है कि उम्मीदवार छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक दल बन चुके हैं। ना तो उम्मीदवारों के बीच स्वस्थ बहस की परंपरा नजर आती है और न ही चुनावी खर्च की कोई सीमा। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आते ही जिस तरह की अराजकता देखने को मिली, वो छात्र संघ चुनावों की गरिमा को तार तार करता है। आगजनी की जाती, बम फोड़े जाते हैं, यहां तक कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च के लिए उतरना पड़ता है, जो इस बात को दर्शाता है कि छात्र राजनीति अपनी दिशा से भटक चुकी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसे ये कहकर दरकिनार कर दिया जाए कि किसी एक घटना को लेकर पूरी छात्र राजनीति को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं। बल्कि इससे पहले वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई हिंसा इस बात के लिए मजबूर करती है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर मंथन किए जाने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप छात्र संघ चुनाव में बढ़ता जा रहा है? इन चुनावों के लिए लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता? और सबसे अहम, क्या छात्र संघ चुनाव अब सिर्फ भारतीय राजनीति में प्रवेश का जरिया मात्र रह चुका है? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम आने के बाद छात्रों के दो गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। खूब बम चलाए गए, आगजनी की गई और पुलिस प्रशासन की तैयारियां धरी की धरी रह गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले कुछ ऐसा ही नजारा काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के दौरान भी देखने को मिल चुका है। जबकि छात्र उपद्रव के चलते गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव अनिश्चितकाल के लिए रद्द भी करने पड़े। छात्र संघ चुनाव में हुई व्यापक हिंसा ने एक बार फिर से यूपी में छात्र सियासत और छात्र संघों के औचित्य को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आते ही शुक्रवार आधी रात विश्वविद्यालय के आसपास जमकर उपद्रव हुआ। अराजक तत्वों ने केएस हॉलैंड हॉल हॉस्टल के कई कमरों में आग लगा दी और केपीयूसी हॉस्टल के गेट पर बमबाजी कर दहशत फैला दी। हॉस्टल में भीषण आग की लपटें देख छात्र भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। फायर स्टेशन से दमकलें दौड़ने लगी और फिर सुबह तक आग पर काबू पाया गया। उधर करीब 7 कमरों में आगजनी के बाद कई हॉस्टल के छात्र रॉड, हॉकी, लाठी लेकर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद जमकर बवाल किया। समझाने का प्रयास करने पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। इससे पूरे इलाके में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालात काबू करने के लिए आधी रात के बाद विश्वविद्यालय के आसपास की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एबीपी के जो गुंडे हैं, जो योगी आदित्यनाथ के सरपरस्त गुंडे हैं, इन गुंडे ने हमारा अवनीश यादव, जो मैं आज निवर्तमान छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरे कमरे को, और जो वर्तमान छात्र संघ का अध्यक्ष है जो निर्वाचित हुआ उदय प्रकाश यादव, उसका कमरा इसलिए फूंक दिया गया है क्योंकि हम यादव बिरादरी से आते हैं। जो व्यक्ति जो विजयी घोषित हुआ था उसके कमरे में आग लगाई गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ अन्य कमरों में भी आग लगाई गई है, जिसमें जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनका कमरा भी शामिल है। और पुलिस इसको संज्ञान में लेके इसमें कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज करेगी, जो संबंधित लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने 18 सितंबर को भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिला था। शिक्षक संघ की एक बैठक में कुछ छात्र नेता घुसकर बवाल करने लगे थे, जिससे मीटिंग बीच में ही समाप्त करनी पड़ी थी। इस दौरान कुछ शिक्षकों से छात्र नेताओं की नोकझोंक भी हुई थी। वही वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के दौरान भी जमकर बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशियों और बागी प्रत्याशियों के बीच पथराव और मारपीट हुई, जबकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव अराजकता की भेंट चढ़ गया। एबीवीपी समर्थकों और बागी उम्मीदवार के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। शिक्षकों से दुर्व्यवहार और हाथापाई भी की गई।
पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात नियंत्रित किया। इसके बाद शिक्षक संघ ने आपात बैठक कर चुनाव कराने से इनकार कर दिया। कर्मचारी संघ भी शिक्षकों के समर्थन में आ गया और फिर अराजकता का माहौल देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनिश्चित काल के लिए चुनाव स्थगित कर दिया। मुझे उम्मीद है कि वहां के अधिकारी, कानून व्यवस्था को देखने वाले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने आगजनी करने का काम किया है। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने वहां के प्रशासन को हर तरफ को एक कहीं ना कहीं एक वो दिया हुआ छूट दी हुई है कि एबीवीपी के छात्र संगठन कुछ भी करें तो ठीक है, लेकिन किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ संगठन कुछ और करें तो इस तरह से दमनकारी नीति अपना है। निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। ये जरूर है कि जो ये आरोप लोग लगा रहे हैं तो एक आरोप लगता है, लेकिन कौन लोग हिंसा फैलाते हैं कि पार्टी के लोग सदस्यता करने बैरकों में चले जाते हैं, उन्हीं लोगों ने इसको किया है और हमें बदनाम करने का प्रयास किया है। हिंसक वारदातों ने सियासी आरोप प्रत्यारोपों को जन्म दे दिया है। दरअसल समय के साथ छात्र संघ चुनाव का राजनीतिकरण हुआ है और भारतीय चुनावी राजनीति की सभी विसंगतियों से यह चुनाव भी अब अछूता नहीं रह गया है। धनबल, सत्ता और जातिगत आधार पर चुनाव में हार जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में छात्र के हित से जुड़े मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। यूं तो छात्र संघ चुनावों को सियासत की नर्सरी का दर्जा दिया गया, लेकिन बाहुबलियों की आमद, धन पशुओं के दखल और सियासी दलों द्वारा प्रतिष्ठा जोड़ लिए जाने से इस नर्सरी का नाता अराजकता से जुड़ने लगा। छात्र संघ चुनावों में हो रहे हिंसक सिलसिलों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो सहयोगियों के साथ ज्ञानेश शुक्ल, एपीएन, लखनऊ। दरअसल इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि छात्र राजनीति अपनी दिशा से भटक चुकी है। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसे ये कहकर दरकिनार कर दिया जाए कि किसी एक घटना को लेकर पूरी छात्र राजनीति को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि इससे पहले वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में छात्र संघ चुनाव के दौरान हिंसा इस बात के लिए मजबूर करती है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर मंथन किए जाने की जरूरत है। सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप छात्र संघ चुनाव में बढ़ता जा रहा है। इन चुनावों के लिए लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या छात्र संघ चुनाव अब सिर्फ भारतीय राजनीति में प्रवेश का एकमात्र जरिया रह गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ अनुराग तिवारी जुड़े हैं, आप नेता हैं एबीवीपी के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। पूजा शुक्ला, आप नेता हैं समाजवादी छात्र सभा की। सचिन रावत एनएसयूआई की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप इलाहाबाद छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं अनुराग तिवारी जी आपसे करूंगा। छात्र संघ चुनाव का मोटिव क्या है आपकी नजर में, और हिंसा के जरिए छात्र मैसेज क्या देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव का अगर मोटिव लेंगे तो वर्तमान पूंजीवादी समय में जहां पर राजनीति में पूंजीवाद हावी है, बड़े पैसे वाले लोग राजनीति में सक्रिय हैं, वैसे एक सामान्य तबके का छात्र अगर राजनीति में जाना चाहता है तो उसके लिए छात्र संघ चुनाव ही आधार है। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितनी ही बड़ी क्रांति हुई है, जितने बड़े बदलाव हुए हैं, वो सब छात्र संघ के माध्यम से हुए हैं। और हिंसा फैलाने में छात्रों को अगर जोड़ा जाएगा कि सिर्फ छात्र संघ का ही दोष दिया जाए, तो मेरा एक मानना है कि इसके आड़ में रखकर, इसके एक बराबर में एक दूसरा विषय देखेंगे तो पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हत्या और अपहरण जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो छात्र संघ चुनाव को एक मोटा चश्मा लोग लगाकर नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इन पर आरोप लगाना ज्यादा आसान होता है। तो ये आगजनी करने वाले लोग कौन है, बम चलाने वाले लोग कौन? छात्र संघ चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में अपनी राजनीति को लेकर जो लोग ऐसे तैयार रहते हैं कि छात्र अपनी राजनीति कर रहा है और लोकतंत्र में, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में आगे अपनी भागीदारी पेश करने जा रहा है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ता छात्र जिन्हें धधकती भट्टी की तरह दिखता है, जो उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे अराजक तत्व, ऐसे लोग जो समाज को स्वस्थ रूप से चलने पर जिनकी रोटियां नहीं सिक पाती, वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं और अपना काम करते हैं। पूजा शुक्ला जी, इस बात से अगर अनुराग तिवारी जी की इत्तेफाक रख भी लिया जाए,
कि छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गरीब तबके के लोगों को राजनीति में प्रवेश का एक अवसर उपलब्ध कराता है, यानी कि पहली पाठशाला उसे हम कह सकते हैं। लेकिन जब पहली पाठशाला में धन बल जात पात सभी चीजों का इस्तेमाल हो जाने लगे तो फिर इस बात की कोई गारंटी रह जाती है क्या कि आम लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, आम छात्रों को? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो अनुराग जी कह रहे थे कि हाँ एकदम सही बात है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप ये देखिए कि छात्र संघ जो है छात्र राजनीति की पहली नर्सरी होते हैं, और साथ ही साथ लेकिन मैंने इन दिनों में देखा है जैसे उदय यादव के जीतने के बाद जिस तरह से सामंती ताकतों ने लगातार उस लड़के का उत्पीड़न किया, चुनाव के दौर में भी जातिवाद को लेकर के जिस तरह से इलाहाबाद चुनाव में जातिवाद चल रहा था, और एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जिस तरह से पूर्ण रूप से जातिवाद का उपयोग कर रहे थे, और सिर्फ यही नहीं, आप पूरे देश में देखिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन दिनों लगातार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसी तरह की मारपीट की हारने के बाद, उसके बाद डूसू में जीत भी गए तो इनकी डिग्री फर्जी निकल आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उदय के जीतने के बाद इन लोगों ने लगातार इनके अतेंद्र सिंह के कहने पर उदय यादव और अवनीश यादव का कमरा फूका गया, और उसके बाद पूरा पूरा हॉलैंड हॉल फूक दिया जा रहा है। तो ये छात्र संघ के अंदर कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये तरीका नहीं रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने हमेशा हार हो या जीत हो दोनों ही स्थिति में अपने आप को उसको स्वीकार किया है, और साथ ही साथ इस देश में कद्दावर नेता दिए हैं, प्रधानमंत्री दिए हैं, और नए नए मतलब आप ये देखिए कि वर्तमान समय भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही ऐसा है जहाँ पे छात्र संघ हो रहा है, तो लोगों की उम्मीदें भी वहीं से जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को भी हम लोग यही मान रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुझान ये तय करेगा कि आगामी चुनाव किस आधार पर होंगे। जैसे गोरखपुर में देखिए इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि इनको भी लगता है कि 2019 के अंदर ये जितने भी छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं ये एक अहम भूमिका निभाएंगे, और इसीलिए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी के कहने पर इस तरह की अराजकता। पूजा शुक्ला जी, आपको लग रहा है कि समाजवादी छात्र सभा पाक साफ है, दूध की धुली है? नहीं बिल्कुल, मुझे मैं ये कह रही हूँ कि जिन छात्रों ने चुनाव लड़ा है आप उनके बारे में जान लीजिए, वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं। मैडम मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के दौरान भी खूब बवाल हुआ था, और उसमें समाजवादी छात्र सभा के जो घोषित प्रत्याशी थे और जो इसी सभा से बागी प्रत्याशी थे उनके बीच में पथराव हुआ, उनके बीच में मारपीट हुई, देखिए वो क्या था। फिर मैं कह रही हूँ कि देखिए अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो मैं आपको साफ बात बता रही हूँ, रही बात काशी विद्यापीठ की तो मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के हस्तक्षेप बढ़े हैं कैंपस के अंदर, और इन दिनों में तो लगातार आप ये देखिए कि सरकार खुद हस्तक्षेप कर रही है विश्वविद्यालयों में, इस वजह से ये जो घटनाएं हैं बढ़ रही है। आप ही बताइए कि जब उदय का और अवनीश का कमरा फूका तो मैडम इसीलिए पुलिस छात्र संघ चुनाव के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे चुनावों से क्या फायदा, जो हिंसा पर आमादा हो जाते हैं। पहली पाठशाला में आप वो हुनर सीखते हैं जिसकी शायद राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, आज हम इसीलिए इस बहस को लेकर आए। छात्र संघ चुनाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कह दीजिए कि ये लोग, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन चुनाव स्वस्थ तरीके से हो। विषय पर जाइए मैडम, चुनाव स्वस्थ तरीके से हो और जो मोटिव है छात्र संघ चुनाव का वो मोटिव पूरा हो, इसमें आप लोगों को ही आगे बढ़ना होगा ना मैडम, वरना पैर पर कुल्हाड़ी तो आप ही लोग मिलकर मारेंगे। मैं योगेश मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि आज की छात्र राजनीति अपनी दिशा से भटक चुकी है? सिर्फ एक मोटिव है कि कैसे आने वाली भविष्य की राजनीति में अपनी पैठ बनाई जाए, इसके लिए चाहे गुंडागर्दी करनी हो उससे भी गुरेज नहीं है, बम चलाने हो उसमें भी पीछे नहीं है, या फिर किसी की जान लेनी हो। अक्षय जी देखिए, इस पूरी समस्या को और आपके सवाल का जवाब देने के लिए दूसरे ढंग से देखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ये कहता आज की तारीख में कि छात्र संघ छात्र राजनीति राजनीति में प्रवेश का द्वार है तो आज झूठ है, क्योंकि देश में एक भी मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकला हुआ नहीं है। मेरे लिए सबसे दुख का विषय आज का दिन है, बहुत शर्मनाक दिन है। मैं उसी छात्र संघ में पदाधिकारी रहा हूं जहां के छात्र संघ के चुनाव के बाद ये सब हुआ है, उस हॉस्टल में मैं वोट मांगने गया हूं। लेकिन अगर देश का एक भी मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकला हुआ नहीं है जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड किसी पॉलिटिकल पार्टी का छात्र राजनीति से निकला हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई दूर दूर तक उम्मीदवार छात्र राजनीति से निकला हुआ नहीं है, और फिर आप ये दावा करें कि छात्र राजनीति राजनीति में प्रवेश का द्वार है तो ये झूठ है, आज नहीं है।
आज ये है क्या? आज ये बड़े राजनेताओं के लिए कच्चा माल आपूर्ति करने की का एक स्थान है। जैसे हमारे पास तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी अपना कोई विंग चलाती नहीं है। हर नेता के आने पर हमारा ये जो नौजवान है वो कच्चा माल इकट्ठा करता है, आदमी सप्लाई करता है। मुझे बताइए ना, मैं छात्र राजनीति से आता हूं, पिछले 10 सालों में किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स चलाया गया है? हम जब छात्र राजनीति करने गए, जनेश्वर मिश्रा जिंदा थे, तो हम लोग जनेश्वर मिश्रा के पास गए ये जानने के लिए जनेश्वर मिश्रा जी भाषण कैसे दिया जाता है। फिर हम लोग उसके बाद रज्जू भैया जिंदा थे उस समय, डॉक्टर मुर्रम जोशी एक बार मंत्री रह के हट चुके थे, तो हम लोग सबसे मिलने गए कि जरा देखा जाए कि कैसे क्या होता है। उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा जिंदा थे, उनसे भी मिलने गए। आज बताइए ना कि जबकि मैं चाहता था टिकट लड़ना एबीवीपी से, एबीपी ने हमें टिकट नहीं दिया, मैं जीत के आया और हराया उनके कैंडिडेट को। ठीक है, हम तीनों लोगों के पास गए। आज की तारीख में एबीवीपी का उम्मीदवार क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के पास जाता है? समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार क्या दूसरे नेताओं के पास जाता है कुछ हुनर सीखने के लिए? क्या किसी पूर्व अध्यक्ष के पास जाता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से फ्री थिंकर होकर जीत के आया? नहीं जाता है। जानते क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इन नौजवानों के कंधे पर बूढ़े और स्वार्थी राजनेताओं का सर रखा हुआ है और वही सर बोलता है, वही इनसे काम कराता है। नहीं तो ये तो छात्रों को समझना चाहिए ना योगेश जी, सवाल तो ये है कि अभी पूजा जी ने भी नहीं, देखिए अगर हम इन छात्रों को समझने को छोड़ देंगे तो ये समस्या जो की त्यों चलती रहेगी। ये नौजवान लोग हैं, उस उम्र में हम भी थे, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, पर ये उन बड़े नेताओं को समझना चाहिए कि इनका उपयोग, इस शक्ति का, युवा शक्ति का उपयोग कैसे होना चाहिए और इनका किस तरह का संस्कार बनाया जाना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है, महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि ये राजनीतिक दलों को इस पर मंथन करना चाहिए। आज हम इसीलिए इस डिबेट को लेकर आए ताकि ये जो कमियां उभर कर सामने आ रही हैं, इन कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव काफी महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, लेकिन क्यों ये दिशा भटकते जा रहे हैं? सचिन रावत, मेरा सवाल आपसे ये है कि छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों का आखिर क्या काम? देखिए अच्छे जी, जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो मेरा तो मानना है कि जब छात्र राजनीति स्टार्ट होती है तो पहले तो कैंपस से स्टार्ट होती है। कैंपस में लोग चुनाव लड़ते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, पदाधिकारी के बाद में वो अपने क्षेत्र जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई भी राजनीतिक दल पकड़ करके चुनाव लड़ना होता है। मेरा मानना तो ये है कि जब तक आप किसी राजनीतिक दल से हो करके आप जनता के बीच में जाएंगे तो वही पदाधिकारी जब जीत करके जब जाता है जनता के बीच में तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। आप अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी तो बता रहे थे का चुनाव कहां रहेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, देखिए छात्रों का ही चुनाव होता है। मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई, मैंने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाई की है। राजनीति जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के पीछे जो कैंडिडेट होते हैं उनकी मंशा क्या है या क्या होती है? वो क्या चाहते हैं कि अगर वो छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं या फिर कोई और पद मिल जाता है तो वो उसका इस्तेमाल किस प्लेटफॉर्म के तौर पर करना चाहते हैं? देखिए अक्षय जी, मेरा मानना है कि जो अगर पदाधिकारी अगर बनता है तो वो छात्रों की लड़ाई लड़ता है और छात्र विश्वविद्यालय के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनका मुद्दा उठा करके छात्रों के बीच में काम करता है। लेकिन वो जो छात्र राजनीति से निकल कर जब अपने क्षेत्र में जाता है या कहीं और चुनाव लड़ने जाता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को लेकर के कॉलेज के बाहर की बात हो गई ना, क्योंकि कॉलेज कैंपस के अंदर की बात कर रहे हैं। आप खूब जनता के बीच में जाइए, खूब होर्डिंग बैनर पोस्टर छपवाइए, कोई गुरेज नहीं है, हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन छात्र संघ चुनाव जिसकी एक गरिमा होती, पूजा शुक्ला जी, वो गरिमा को तार तार करने के प्रयास जिस तरह से होते हैं, आखिर अड़चन क्या है छात्रों को भी कि अगर लिंग दो कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए तो उसमें आपत्ति किस बात की? देखिए हम फिर ये बात कहेंगे कि लिंग दो कमेटी की सिफारिशों से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव तो सारी जगह होना चाहिए। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
खुद छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं, और चंद्रशेखर जो इस देश के प्रधानमंत्री थे वो भी छात्र संघ से निकले हुए ही हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले थे चंद्रशेखर, तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं दिया है। हम भी ये मानते हैं कि अगर लिंगों की सिफारिश, मैडम उनका कहना है कि 80-90 के दशक के बाद से कोई ऐसा नाम है जो राजनीति के फलक पर चमक रहा हो आज की डेट में, कोई है ऐसा उदाहरण आपके पास? नहीं, ये बता, आप ये बताइए कि वर्तमान समय में जितना भी विपक्ष है उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो दिख रहे हैं वो छात्र नेता ही तो हैं। आप बताइए दिल्ली से लेकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्र नेता नहीं दिख रहे हैं आपको लड़ते हुए अपने सवालों पर? अभी देखिए हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय में कनुप्रिया छात्र हितों को लेकर, छात्र हितों को लेकर आप जंग करिए, लेकिन सीधा एजेंडा जब हो जाता है कि जब नजर में होता है कि हमारा टारगेट है कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करना और एक मकसद यही होता है छात्र राजनीति में आने का, क्या आपको लगता है कि आज स्वस्थ बहस हो पाती है छात्रों के हितों को लेकर? आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा। एक सामान्य सी बात, मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूँ कि हाँ छात्रों के हितों पे बहस होती है और छात्र हितों पे लड़ते हैं। दरअसल ये सरकार चाहती ही नहीं है कि कहीं भी छात्र संघ चुनाव हो, सरकार हमेशा से चाहती है कि छात्र संघ को बंद कर दिया जाए, छात्र संघ को बर्बाद कर दिया जाए। सरकार की नहीं है, अनुराग तिवारी, मैं ये कह रही हूँ अनुराग तिवारी जी, ये ऐसा तो नहीं कि छात्र संघ चुनाव के दौरान अभी हिंसा होनी शुरू हो गई, ये पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रही है, कई छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, इस बात से इनकार करते हैं क्या आप कि ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, ये स्वीकार्य है और इसको, इसके प्रति बहुत संवेदना रखनी पड़ती है और सोचना पड़ता है हम सबको, क्योंकि छात्र राजनीति, देखिए दो पहलू हैं राजनीति के, छात्र राजनीति में एक वह पहलू होता है जो स्वस्थ राजनीति में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और कैंपस में छात्र हितों के मुद्दों पर, और चूंकि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं और राजनीति नहीं, विचारधारा के भी प्रवाह के केंद्र होते हैं, तो इसलिए अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का प्रवाह स्वस्थ माध्यम से होता रहे और लोकतंत्र के अंतर्गत होता रहे, इसे स्वीकार करना है। अभी पत्रकार सर बता रहे थे, इन्होंने कहा कि ये कच्चा माल छात्र नेताओं को कहा गया, छात्र नेताओं को कच्चा माल की तरह देखना, छात्र नेताओं को अराजक की तरफ देखना, छात्र नेताओं को एक गुट में अगर छात्र नेता चल रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, तो उनको न्यूसेंस पावर की तरफ देखना, मुझे लगता है कि अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है। तो आप भी चश्मा बदलिए ना, नजर पैदा करना। मुझे ये बताइए भाई साहब, बताइए कि जो बमबारी करने वाले थे, सर सुन तो लीजिए, नहीं नहीं बुलाया ना, इसीलिए आपको आमंत्रित किया है जी जी। मुझे ये बताइए कि जो बमबाजी कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिन्होंने हॉस्टल के कमरों को आग के हवाले कर दिया, उन्हें छात्र समझना चाहिए या फिर उनको गुंडे बदमाश की संज्ञा देनी चाहिए? आप तय कर दीजिए। बिल्कुल ये अराजक, बिल्कुल ऐसे लोग अराजक तत्व होते हैं, और मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग ऐसे सर, वो कौन लोग हैं? वो छात्र हैं या कोई और है, बाहरी है? प्रयास करते हैं, ये कोई और समाज के ऐसे लोग हैं जो छात्र संघ के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ऐसे जैसे अभी पूजा जी कह रही थी कि चुनाव सरकार नहीं चाहती है, पिछली सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने चुनाव में जवाब लगाना था सरकार को, आज तक चुनाव में दबाव नहीं लगाया। इसके अलावा और भी सरकारें ऐसी लगातार होती रही, सुन लीजिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, पिछले वर्ष लगातार बीएचयू में चुनाव बंद किया गया, लगातार चुनाव के लिए छात्र आंदोलनरत रहे, विश्वविद्यालय में 18 दिन तक छात्र नहीं, मुझे ये बताइए ना कि क्यों ना छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाया जाए, अगर कोई चुनाव जानलेवा साबित होने लग जाए। छात्र संघ चुनाव को अगर हिंसा के नजरिए से आप हिंसा के पैटर्न पर रखेंगे, तो फिर उसके साथ साथ पंचायत चुनाव पर आप रोक लगाइए, आप विधानसभा चुनाव पर रोक लगाइए, क्योंकि वहाँ अपहरण होते हैं, हत्या होते हैं, बड़े बड़े कांड हुए जो आपसे छिपे नहीं हैं। ये असल मुद्दा है, सब कुछ असल मुद्दा अनुराग तिवारी यही है कि क्या योगेश जी इस बात की फिर छात्रों को भी छूट दे देनी चाहिए, क्या आप बम भी ले जाइए कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान, तमंचा भी लगा कर जाइए और जब मर्जी हो तब फोड़ दीजिए? ये विषय नहीं है, विषय क्या है राजनीति को करने के लिए? सर मैं आऊंगा, हम आज इसी विषय को हम समझ रहे हैं अनुराग तिवारी जी, है ना जी, यूनिवर्सिटी हम भी गए हैं, छात्र संघ चुनाव में क्या होता है यह हमने भी खूब अच्छी तरह से देखा है, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जो परिपाटी बन रही है, वो कितनी स्वस्थ है आप लोगों के लिए ही और आने वाले जो भविष्य के छात्र होंगे उनके लिए? योगेश जी ये सही परिपाटी है, फिर छूट दे देनी चाहिए कि भाई आप छात्र नेता हैं तो आपको इजाजत है, आप तमंचा बम सब ले जाइए। अक्षय जी हमारे नौजवान साथी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं और जो छात्र संघ की राजनीति करते हैं वो सब के सब,
इन नौजवान साथियों को बहुत सी चीजें तब पता चलती जब समय निकल जाता है, हमें भी उस समय नहीं पता चलती। हालांकि हमारा दौर बहुत नैतिक राजनीति का दौर था, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े स्टालवर्ट थे। हमारी पूजा जी ने अभी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी छात्र राजनीति से, एकदम गलत है। वो एक बार चुनाव लड़े थे। छात्र राजनीति का मतलब होता है विचारधारा के स्तर पर आप किसी संगठन में कंटिन्यूस काम करते हैं तो छात्र राजनीति। जैसे चंद्रशेखर जी छात्र, एक मिनट पूजा जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। सर आप अपनी बात कहिए तो और फिर अपनी बात कहिएगा। तो पूजा जी कह रही थी चंद्रशेखर जी थे, मैं तो कह रहा हूँ पहले होते थे। हम जब चुनाव जीते थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्रीपद मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हम लोगों को फोन पर बात की थी, हमारे पूरे संगठन के लोगों से बात की थी। जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट जीते थे वो SF वो उसके थे, क्या कहते हैं ये माले के थे। हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो था वो SFI का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सारे लोगों से बात की थी। आज की तारीख में हो रहा है क्या? हमारे एक साथी ने कहा कच्चा माल सप्लाई का आप चश्मा बदलना चाहिए। मित्र अभी समझ में नहीं आ रहा आपको? आप मुझे एक चीज बता दीजिए ना कि इन बड़े बड़े नेताओं की रैली में जाने वाले लोग कौन होते हैं? आज की तारीख में कोई लीडर आपको बुला के कहता है क्या कि आप अपने कैंपस में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ये पर्चे बांटो और इस पर्चे इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स लगाओ? हम देख रहे हैं बदलती हुई राजनीति को भी देख रहे हैं और की हुई राजनीति को भी देख रहे हैं। और आज की तारीख का नौजवान हमारा, ये बड़े नेता, ये बूढ़े नेता, बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता, इनका इस्तेमाल कच्चे माल की तरह करते हैं, जो इनको मैन पावर सप्लाई करते हैं। और कहीं रैली होगी मैं फुटेज दिखवाऊंगा आपको। मैं जो कह रहा हूँ मेरा अनुभव पत्रकारिता का भी है, मेरा सर ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। ऐसी स्थिति में ये हमारे नौजवान दोस्त हैं, इनको कई बातें बाद में पता चलेंगी क्योंकि इनको बहुत दिन बाद पता चलता कौन मेरा क्या उपयोग कर रहा था। लेकिन मैं एक बात के पक्ष में हूं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, छात्र राजनीति चलनी चाहिए, छात्रों को चुनाव लड़ना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, परंपरा स्वस्थ होनी चाहिए। जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल परंपरा स्वस्थ होनी चाहिए। कुल मिलाकर मेन मोटिव यही है, विचारधारा राजनेताओं को कैंपस में नेता की जगह विचारधारा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। लेकिन अब तो वहां से राजनीतिक दलों की विचारधारा तय होती है ना, असल मुद्दा तो यही है। इस पर अनुराग तिवारी, हर राजनीतिक दल की विचार नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बुरा नहीं है सर, विचारधारा होनी चाहिए। लेकिन छात्र राजनीति आप अगर करते हैं तो पहले छात्रों के हित की बात होनी चाहिए और उसके बाद आप आगे क्या फ्यूचर तो छात्र राजनीति करता है वो करता है, ऐसा नहीं हो जो छात्र राजनीति करता हो छात्रों के हितों की बात करता सर। ये बताइए जो लोग अपने ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को आग के हवाले कर देते हैं, हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे नहीं वो छात्रों की बेहतरी के लिए काम करेंगे? बाहर के लड़के भी आ जाते नहीं सर, उनको लाने वाला कौन होता है? लाने वाला कौन होता है, ये भी तो प्रश्न है ना, लाने वाला कौन होता है? हाँ ठीक है, बाहर के लोग भी आते हैं, लाने वाले लोग कई ऐसे भी होते हैं जो छात्र नहीं होते हैं। हम लोग जब चुनाव लड़ते थे तो इंटर कॉलेज के लड़के चुनाव देखने आते थे कि कैसे चुनाव होता, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रत्याशी का पर्चा बांटने का किसी लड़की को मौका मिल जाता। ठीक है अनुराग, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो अपनी बात रखें, जो चश्मे वाली बात कही थी इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ और फिर मैं सचिन रावत जी के पास जाऊंगा। मेरा कहने का ये मतलब है भाई साहब कि जो छात्र राजनीति जब होती है, छात्र राजनीति में छात्र हितों को ही ध्यान में रखकर हर संगठन काम करता है, मेरा एक मानना है। व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक विचारधाराओं के क्लैशेस कैंपस में चलते आ रहे हैं, संपूर्ण देश देखता है। लेकिन जब छात्र हित के मुद्दे की बात नजर आती है तो जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आज एक क्वेश्चन मार्क लगाकर देखा जा रहा है, उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत दिनों जब छात्रावास एग्जाम के पहले खाली कराए जा रहे थे तो विद्यार्थी परिषद, समाजवादी छात्र सभा और सभी संगठनों के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी हाथ पकड़कर कैंपस में चल रहे थे। उन्होंने एक छात्र हित के सार्वजनिक मुद्दों पर एक साथ बैठकर लड़ाई की। अच्छी बात है, आप लेकिन ये चुनाव के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि वही ABBP, वही NSUI, वही समाजवादी छात्र सभा एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने लगते हैं? और मैं सचिन आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा अनुराग जी आपके पास, एक ब्रेक पर ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले एक बात का जवाब मैं सचिन आपसे जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि मुद्दा वाकई में बेहद गंभीर है। और जो योगेश जी ने भी सवाल उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चंद्रशेखर जी हों, या कुछ एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए कि छात्र राजनीति से निकले कुछ ऐसे नेता जो देश के लिए एक मिसाल भी बने हैं, आखिर क्या वजह है कि 80-90 के दशक के बाद से हम छात्र नेताओं को ये देखते हैं कि या तो वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते नजर आते हैं, ना वो नौकरी के लायक रह जाते हैं, ना व्यापार के लायक रह जाते हैं और ना ही नेतागिरी कर पाते हैं?
इसके पीछे डाउनफॉल की वजह क्या आपको नजर आती है? देखिए अच्छे जी, जहां तक अभी आपने जो बोला है कि 80 के बाद में राजनीतिक जो छात्र राजनीति से जो निकल करके नेता आते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल या जो भी आपने ये जहां तक आपने बोला है गलत है। मेरा मानना है कि अभी देखिए विपक्ष में आप देखिए इतने बड़े बड़े नेता जो छात्र के पदाधिकारी होकर के अपना प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि कितने उनमें सांसद बन गए, कितने उनमें मंत्री बन गए, कितनों ने देखिए मैं आपको गिना रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की बात करिए, कांग्रेस पार्टी में MLA बने, MLC बने, आप यहीं पे देखिए कि कांग्रेस पार्टी सर ये दायरा सेट कर लिया क्या? हम उसी दायरे की तो बात कर रहे हैं। योगेश जी ने वही दायरा बताया कर रहे हैं समाज का। योगेश जी ने वही दायरा तो बताया कि एक दायरा था कि जो प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने में कामयाब रहा और एक दायरा है जो MLC तक MLA बनने तक सिमट कर रह जाता है। उसी दायरे की तो हम बात कर रहे हैं, दायरा सिमट क्यों गया? नहीं अच्छे जी, MLC बनकर के राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जाकर के कोई यहाँ पर भी नहीं है। आप हमारे पार्टी के पदाधिकारी मुंबई में पदाधिकारी प्रभारी हैं, हिमाचल में प्रभारी हैं, वहां जाकर के अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छात्र राजनीति से निकल करके। इसमें आप ये गलत बोल रहे हैं कि 80 के बाद में कोई छात्र राजनीति का कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है समाज में और देश में बड़े लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अपनी दिशा से भटक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं पूजा जी आपके पास आऊंगा। हम ये क्यों ना कहें कि आज छात्र संघ चुनाव सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है भविष्य की राजनीति का, क्यों ना कहें? देखिए मैं एक बहुत स्पष्ट बात बोलूंगी आपको कि जब जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं वो पढ़ने भी इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर देश बनाने के लिए कुछ करना है। और विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे संवाद वाद विवाद हर तरह की विचारधारा ABVP सपा छात्र सभा NSUI तमाम विचारधाराएं रहती हैं और जो भी छात्र पढ़ने आते हैं उनको जिस विचारधारा के साथ कंफर्टेबल लगता है, उनको लगता है कि उन्हें जिस विचारधारा के साथ जाना चाहिए वो उसके साथ जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि छात्र संघों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रशासन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, मनमाने रूप से फीस बढ़ा रहा है, छात्र संघ की जरूरत क्यों है हमें इसको समझने की जरूरत है। छात्र संघ की जरूरत इसलिए है कि जिस तरह से लगातार फीसें वृद्धि हो रही हैं, सरकारी संस्थानों को जो है निजीकरण जिनका किया जा रहा है उनके खिलाफ अगर कोई लामबंद होकर के लड़ रहा है तो वो छात्र लड़ रहा है। लेकिन चूंकि छात्रों से आप देखिए 1975 में जो 1975 में जो मूवमेंट हुआ इमरजेंसी के दौरान उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी छात्रों की। और हम ये नहीं मानते हैं कि 90 के दशक के बाद नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने भी मंत्री रहे हों, चाहे MLA रहे हों, MLC रहे हों, आप ये देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे या किसी न किसी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहे हैं। तो छात्र राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप गोली डंडा और गुंडाई करिए। छात्र राजनीति का मतलब होता है कि विचारधारा से जुड़कर इस देश को एक बेहतर वही तो हो रहा है, इसीलिए तो आज हम ये बहस कर रहे हैं। सवाल पूजा शुक्ला जी, जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आप उसको बता रही हैं, वही चीजें इस्तेमाल की जा रही है, इसीलिए तो आज हम बहस कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आज देखिए आप विश्वविद्यालयों के अंदर आप सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं कि अराजकता हो रही है, दूसरा पक्ष ये भी तो देखिए कि इन्हीं विश्वविद्यालय जो सामंती गढ़ रहे हैं, जहां कभी महिलाओं को राजनीति में आगे आने की जगह नहीं मिली है, आज इन्हीं विश्वविद्यालयों ने और इन्हीं विश्वविद्यालयों ने ये दिखाया है कि महिलाओं को भी बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे पंजाब विश्वविद्यालय हो। तो देखिए विचारधारा की लड़ाई एक अलग लड़ाई है, लेकिन छात्र हितों की जहां पे भी बात होती है सारे लोग एक साथ लामबंद होकर के लड़ते हैं। और मुझे ये लगता है कि आपको हाल फिलहाल की कोई तारीख याद आती हो, महीने साल कि जब आप लोगों ने छात्र हितों को लेकर एक कोई बड़ा संघर्ष किया हो, सड़कों पर उतरे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी 11 तारीख को ही अनुराग जी भी बैठे हैं, सचिन जी भी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं 11 तारीख को ही छात्र संघों को लेकर के। और जो जिस तरह से शिक्षण संस्थानों में लगातार मनमाना ढंग से अपने प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है लखनऊ के अंदर, होने जा रहा है ना, होने जा रहा है। मैं अनुराग इतने दिनों से तो उसकी तैयारी हो रही है मैडम, वही तो है ना, वही तो है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि फीस वृद्धि निजी स्कूलों की मनमानी एक मुद्दा है, एक मुद्दा है, छात्र संगठन उसमें उपस्थिति लगभग नगण्य नजर आती है। छात्र हितों की बात आप लोग कहते हैं ना कि हम तो सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन तो हाल फिलहाल ऐसे देखने को नहीं मिलता जहाँ पर तमाम छात्र संगठन एक साथ एकजुट मिले हों। अनुराग तिवारी, आप
आपको ये आपको एक बता दें, विगत वर्ष ही लखनऊ विश्वविद्यालय में 18 दिन तक छात्र छात्र संघ को लेकर उसके बाद छात्रों के अधिकारों को लेकर लगातार सिर्फ इसलिए ना कि चुनाव हो जाए, चुनाव ना रुके वरना हमारा भविष्य लटक जाएगा। छात्र अधिकार के नाम से वो बैठे हुए थे, उसके बाद उनकी बातें न सुनी जाने पर उसमें फीस वृद्धि का मुद्दा था, फर्जी मुकदमों का मुद्दा था। आप लखनऊ विश्वविद्यालय को ले लीजिए अगर इस समय, तो उपलब्धि लखनऊ विश्वविद्यालय की ये है कि 18 छात्र 6 महीने के पिछले कार्यकाल में 18 छात्र जेल में है, 350 छात्रों को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, बिना तैयारी के सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। अभी विगत 3-4 दिन पहले सारे अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा धरना किया है जिसमें 10 दिन का आश्वासन रिटर्न रूप से रजिस्ट्रार ने दिया। उनका एक तानाशाही फरमान आता है कि आप विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आप अगर मुझसे छीनेंगे तो हम छात्र राजनीति अगर करते हैं तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम समाज को आपके तानाशाही आदेशों से मुक्त कराएं, और इसलिए हमने आंदोलन धरना प्रदर्शन किए। उसके अलावा अभी आपने सीएमएस की घटना सुनी थी, सीएमएस की घटना पर भी प्रशासन को घेरने का, समाज को घेरने का, समाज के हर संवेदनशील मुद्दे पर छात्र हित से जुड़ा हुआ व्यक्ति नजर आता है। छात्र राजनीति से जुड़ा ही व्यक्ति इतना बेबाक हो सकता है कि समाज के हर उस पहलू को छू सकता है जिसको छूने की आज समाज में आवश्यकता है। राजनीति की सोच जहां पर शून्य हो जाती है वहां पर छात्र नेता आगे ही आते हैं और वही मोर्चा संभालते हैं। नहीं तो मुझे एक एक बात मुझे लगता है कि छात्र संघों की भूमिका को मुझे एक नकारात्मक सर नकारात्मक तरीके से छात्र संघ की भूमिका को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उसकी परंपरा जो बदलती जा रही है उसको नकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे ये बता दीजिए, अनुराग तिवारी मुझे ये बता दीजिए, समाजवादी छात्र सभा ने आरोप लगाया कि जो हिंसा हुई है उसका पूरा आरोप एबीवीपी पर कि एबीवीपी ने हिंसा की है, और एबीवीपी की तरफ से कहा गया कि हमने नहीं की है, कुलपति की टीम ने हिंसा करवा दी है। हम किसकी बात पर यकीन करें, कौन सच बोल रहा है? मेरा कहना यह है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो हो जो ये प्रवक्ताओं के लिए छोड़ दें, हम यहाँ पर छात्र संगठन के रूप पर बैठे हुए हैं। जो सत्यता ये है कि अगर हिंसा की घटना को छात्र सभा की नेता ही है ना, तो इसके समाजवादी छात्र सभा की वही लोग आरोप लगा रहे हैं। का मतलब स्पष्ट है, आप इन्होंने आरोप लगाया, मैं कहना चाहता हूँ कि इनका इतिहास जो है वो आरोप प्रत्यारोप पे चलता है। छात्र सभा का सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए छात्र राजनीति में फिर सक्रिय लोग जो होते हैं वो ऐसे करते हैं। देखिए छात्र संघों को अराजकता हुई है, उस बात को आपको मानना पड़ेगा। अराजकता पर एबीवीपी के लड़का गरीब घर से आया, वो अध्यक्ष एबीवीपी के छात्र जो लड़ रहे थे वो अमीर घर से आने वाले नहीं थे, वो छात्र में प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। अराजकता तो गरीब घर के लड़के 400 गाड़ी का काफिला नहीं चलाते। आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फर्जी डिग्री धारी को अध्यक्ष, आप उसकी जाँच कराइए, स्वीकार करिए। पहले आप जो राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं, असल में यही विवाद की जड़ बनते जा रहे हैं, जो छात्र संघ चुनाव की गरिमा को पूरी तरह से तार तार करने पर आमादा है। मैं सचिन रावत आपके पास आऊंगा, मैं तिवारी जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। सचिन रावत जी, 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 जी। जो अभी अनुराग तिवारी जी की तरफ से, पूजा शुक्ला जी की तरफ से भी कहा गया, और संभवतः आप भी इसी बात का समर्थन करते हैं कि छात्र संघ जो होता है वो छात्र हितों को लेकर जंग लड़ता है। अगर इस तरह की तोहमत छात्र संघ पर लगती है कि वो अपने ही विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ करते हैं, आग के हवाले करते हैं, या जो भी नुकसान है वो करते हैं, तो क्या इसके लिए आप सबको लामबंद नहीं होना चाहिए, एकजुट नहीं होना चाहिए कि इस तरह की हिंसा अगर कहीं भी होती है तो वो ठीक नहीं है, उसमें सभी छात्र एक साथ हैं? देखिए अक्षय जी, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं बहुत ही सही है, लेकिन पिछले 4.5 सालों में, अभी हमारे एबीपी के साथी बता रहे थे विचारधारा, पिछले 4.5 साल में जेएनयू से लगा करके, बीएचयू से लगा करके, लखनऊ विश्वविद्यालय, लेकिन आज इलाहाबाद में जो घटना कल हुई है, ये एक सवाल है, सरकार के सामने सवाल है कि ऐसी घटना कैसे हो गई। पुलिस प्रशासन सर ये उन राजनीतिक दलों के लिए सवाल नहीं है क्या? सचिन रावत, लेकिन सरकार के लिए भी सवाल है, तो क्या उन राजनीतिक दलों के लिए सवाल नहीं है जो इंटरेस्टेड होते हैं छात्र राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए? देखिए अक्षय जी, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। आप देखिए कि पदाधिकारी घोषित हो जाता है 9:30 बजे अध्यक्ष का, 1:30 बजे तक उसका रिजल्ट क्यों रोका जाता है, उसके बाद आग लगा दी जाती है, कहीं ना कहीं जो छात्र जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो पूरी तरीके शिक्षण संस्थानों में यही पूरी तरीके अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। आप ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हस्तक्षेप सीधा सीधा होता है, आपने सीधा सरकार पर सवाल उठाया है ना, और
अनुराग तिवारी आरोप लगा देंगे कि और भी राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। मुझे ये बताइए, सचिन तिवारी में आऊंगा, सचिन सर वो बात वही है ना, यूपीए एनडीए समाजवादी बहुजन समाज पार्टी यही तक सिमट जाते हैं ना, इससे दायरा थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। मैं सचिन आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जब ये तमाम बातें आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं, तिवारी जी थोड़ा सा कंट्रोल जी। मुझे सचिन रावत जी इस बात का जवाब दीजिए ना कि जब ये तमाम चुनौतियां आप देख रहे हैं खुद ही कि हाँ ये समस्याएं हैं, हस्तक्षेप है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं इस पे कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल हैं उनको एक समान विचारधारा के जो भी दल हैं उनको एकजुट होकर के इस मुहिम को आगे लड़ना चाहिए कि आज इलाहाबाद में घटना हुई है, कल को बीएचयू में चुनाव होगा वहां घटना होगी। सर हो चुकी है, मतलब क्या हो चुकी है, हम उन्हीं घटनाओं को जिक्र कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ कि आगे बीएचयू की घटना हो सकती है ना, बीएचयू में चुनाव होने वाले हैं, वहां घटना हो सकती है। सर यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है वहां पे योगेश जी। आज छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो ये लगता ही नहीं कि उम्मीदवार एक छात्र है, ये लगता है कि राजनीतिक दलों ने मोर्चा संभाल रखा है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, नौबत ये है। अक्षय जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने साथी प्रवक्ताओं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से आए हैं उनकी बात सुन के बहुत थोड़ा सा इस समय दुख हो रहा है। ये बहुत दुख का विषय है, हम लोग भी छात्र राजनीति करते थे, हम छात्र को डिफेंड करते थे, कैंपस को डिफेंड करते थे, क्राइम के खिलाफ होते थे। आज हमारे इन दोस्तों को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना पड़ रहा है। ये लोग अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बचाव कर रहे हैं या दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे जीवन में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिक्स करते थे, पर हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का न तो बचाव करना होता था न दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर इल्जाम लगाना होता था। हमारा सारा का सारा इल्जाम, सारा का सारा आरोप, सारा का सारी स्थिति कैंपस में अपने साथी नेताओं पर होता था, सारा गुस्सा उन पर होता था और उन चुनाव के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता था। ये ही मैं बताना चाहता हूं जो हमारे साथी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। दो घटनाएं देखिए, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि 9:30 बजे रिजल्ट निकला और 12 बजे घोषित हुआ। अचानक गोरखपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव में एक कैंडिडेट इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट करने के बाद बवाल होता है और इलेक्शन बंद हो जाता है। ये दोनों घटनाएं क्या बता रही हैं जी, कौन है इसके पीछे? अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई भी छात्र नेता किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा का हो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करे या इस तरह के कार्यक्रमों के लिए क्रियाकलापों के लिए दूसरे पर आरोप लगाए तो मुझे तो बहुत दुख होता है छात्र नेता रहने की वजह से। तो हमें इन नेताओं को कहना चाहिए, इनसे अनुरोध करना चाहिए कि इन छात्रों को नर्सरी के रूप में छात्र नेताओं को मत इस्तेमाल कीजिए, इनको कैंपस में तैयार कीजिए, ये हमारे विचार के वाहक हैं, कल को ये क्षेत्र में आएंगे। हमारी कई नेताओं दोस्तों ने कहा कि बहुत लोग एमएलए एमपी हैं, मैं 1984 में बना था पदाधिकारी, हमारे बाद के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 लोग अभी तक मंत्री और विधायक तक पहुंच पाए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में के भी 2 लोग आज तक पहुंच पाए हैं, इलाहाबाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के का एक भी आदमी भी नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला है, वो जीत नहीं पाए थे, हालांकि छात्र राजनीति से हैं तो वो एक आदमी है। तो एक एक दो दो आदमी को लेके एक दौर था कि आइडियोलॉग जितने होते थे समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉग जो होते थे वो छात्र राजनीति से होते थे, जो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉग होते थे वो छात्र राजनीति से होते थे, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टियों का आइडियोलॉग होते थे वो भी छात्र राजनीति से होते थे, जो लोग दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग होते थे वो भी छात्र राजनीति होते। आज की तारीख में क्या छात्र राजनीति विधायक और एमएलए बनने के लिए है, मंत्री बनने के लिए है? अगर है तो भाई तौबा, उसके लिए सर, तो इसीलिए तो मैंने और कई पॉलिटिकल पार्टियां जो विधायकों को छात्र नेताओं से यही सवाल किया था कि क्या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर आप लोग देख रहे हैं कि दुख यह है कि हमारे छात्र नेता अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगा रहा है। इन्हें कैंपस को डिफेंड करना चाहिए, इन्हें छात्र राजनीति को डिफेंड करना चाहिए और अपने दूसरे साथी पर आरोप लगाना चाहिए। कैंपस में अच्छी गतिविधि नहीं कर रहा है, पूरी एक घंटे की चर्चा दूर से चली हुई
ये दूर से चली गई चाले हैं जो हमारे बड़े नेता चल रहे हैं और इन बच्चों के सर पर बूढ़ों का ये समझना चाहिए पार्टी के राजनेताओं का, पूजा जी जैसे लोगों को, अनुराग तिवारी जैसे लोगों को, सचिन दावा जी जैसे लोगों को, इसीलिए तो हम आज ये बहस लेकर आए हैं कि कहां पर कमियां हैं, अगर उन कमियों को दूर किया जाए तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पूजा शुक्ला को हम लोग जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र हम कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी का भी आपने देखा, चाहते हैं कि पूजा शुक्ला हो, अनुराग हो, सब लोग के एक रोल मॉडल बने छात्र राजनीति के उद्देश्य तो यही है, रोल मॉडल बनने के लिए अभी से ये अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाएंगे या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करेंगे तो फिर ये राजनीति बहुत छोटा सा है, किस पॉलिटिकल पार्टी में कब जाना पड़े आज की तारीख में क्लिपिंग आ जाएगी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां विचारधारा नहीं तैयार कर रही हैं, वो कैंडिडेट चेहरा शर्त और आइडेंटिटी तैयार कर रही हैं, तो इसलिए इनको अपने दूसरे साथी पर आरोप लगाना चाहिए, उसकी गतिविधियों पर लगाना चाहिए, कैंपस को डिफेंड करना चाहिए, टीचरों पर आरोप लगाना चाहिए, तो उन कैंपस में जो कुछ हो रहा है उस पर लगाएं, तो ये लोग रोल मॉडल बनेंगे, इनका भी बड़ा भविष्य है, ठीक, ये लोग बहुत पूजा शुक्ला जी जा सकते हैं, कल को हो ऐसे ही रोल मॉडल बनेंगे किसी उपलब्धि पर बहस करने आना पूरी चर्चा के दौरान तकरीबन आप चर्चा के हम समापन के नजदीक पहुंच गए हैं, आपने सीधा आरोप लगा दिया कि योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है जो मुख्यमंत्री हैं, इशारे पे शासन चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, अनुराग तिवारी ये सवाल उठा देंगे कि समाजवादी पार्टी के शासन में भी ऐसा होता था, सीधा हस्तक्षेप होता था, ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या छात्र नेताओं को? देखिए मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अभी जो सर ने बोला कि कोई दो ही लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के पहुंच चुके हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि अभी देख लीजिए कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जितने भी एमएलए एमएलसी हैं वो सारे लोग छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, राजपाल कश्यप को देख उसके आगे दुनिया नहीं है क्या? को देख लीजिए एमपी एमएलए से बढ़ के आगे की दुनिया नहीं है? आप अभी नहीं, अभी तक ये बात हो रही थी कितने लोग सदन में पहुंचे, अभी तक हम लोगों को कच्चा माल बोला जा रहा था, इस वजह से मैं इस बात को, ये गलत है कि छात्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मुझे आप ये बताइए, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए तो आप ही तो बताइए, आप लोगों ने मुझे बताइए पूजा शुक्ला बच्चा जो सरकार पूजा शुक्ला जी आप लोगों ने अपने इस छात्र संगठन का नाम सिर्फ छात्र सभा क्यों नहीं रखा, समाजवादी छात्र सभा क्यों रखा, इसके पीछे क्या मतलब? समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए हम लोग अपने आप को समाजवादी छात्र सभा कहते हैं, यही तो है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो किसी दूसरे दल को रिप्रेजेंट करता है, NSUI वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, आप समाजवादी पार्टी विचारधारा की बात करते हो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी दल से नहीं आता सर, दल से नहीं आता है, लेकिन एक विचारधारा की बात हो रही ना, आप किसी विचारधारा से प्रेरित तो हैं, आइडियोलॉजी को लेकर आप प्रेरित नहीं है, संविधान में अनुराग तिवारी, अनुराग तिवारी अपराध नहीं है, अनुराग तिवारी जी हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में ABBP के कार्यकर्ताओं को झंडा लहराते खूब देखा है, योजन सभा के लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में देखा है, इसलिए आप हमको ये मत बताइए, आप हमको ये मत बताइए कि छात्र राजनीति क्या है और कैसे होती है, अपने कार्यक्रमों में रहते हैं और कोई नहीं कह सकता सर, सर ये आप मत बताइए कि छात्र राजनीति क्या है और कहां तक सीमित हो गई है, ये आप मत बताइए, इसीलिए आज हम इस चर्चा को लेकर आए हैं कि ये जो गर्त में जा रही है, हमारी सरकार विद्यार्थी परिषद भाजपा की पार्टी नहीं है, छात्र सर मोहर नहीं लगी है ना, विचारधारा से प्रेरित है, विचारधारा से प्रेरित है, संस्थानों को जो विचारधारा से प्रेरित है कि नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिसने 1949 से आज तक, मुझे आप बताइए आप विचारधारा से प्रभावित है, आप कहीं भी आएंगे आप विचारधारा से प्रभावित है कि नहीं, इसको आप देखेंगे हम जहाँ इस समय काम कर रहे हैं वहाँ खड़े होने आते हैं, आइडियोलॉजी को बढ़ाना और छात्र हित की जिस मुद्दे पर आज डिबेट थी उसी उस मुद्दे को भी भटका में यही लोग दोनों रहे, हमारा मानना है कि हमारा मानना सिर्फ एक है कि छात्र यही तो असल दिक्कत है, अनुराग तिवारी असल दिक्कत तो यही है कि छात्रों को भटकाया जाता है और छात्र भटक जाते हैं, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले एक घंटे की चर्चा के दौरान बाकी दोनों छात्र नेताओं ने इस डिबेट को बहकाने का प्रयास किया, यही तो आरोप लगा रहे हैं ना, आखिर छात्र क्यों बहक जाते हैं, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया, सचिन रावत छात्र अगर ऐसे बहक जाएंगे तो अपने हित की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, अपने साथियों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए अक्षय जी, छात्र अपने हक की लड़ाई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हर जगह लड़ते हैं, लेकिन पिछले 4.5 सालों में जो पूरी तरीके तानाशाह रवैया अपनाया गया है, आप जेएनयू से लगा करके देख लीजिए सारे महाविद्यालयों में छात्र हितों की जो आवाज़ दबाया जा रहा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए,
एक सचिन रावत तरीके जो पहली बार बमबाजी हुई है अपनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने हुई है। मुझे आज ये लोग पूरी तरीके से रवैया अपना पहली बार छात्रों को आपके हवाले किया जा रहे हैं, इनमें क्या नया पहली बार हुआ है मुझे बताइए सचिन जी। इस पूरे अराजकता के दौरान क्या ऐसी चीज है जो पहली बार इन्हीं के लोगों ने हॉस्टल को जलाया क्योंकि इनका पदाधिकारी नहीं जीत पाया। फिर वही जीत पाया ना इन्हीं लोगों ने, इनके गुंडे जाकर के इन्होंने आग लगवाई है। ये पूरी तरीके बड़ा सवाल, एक गरीब घर का लड़का अध्यक्ष बनता है और यही लोग जाकर के उम्मीद हम ये कर सकते उसके उसका हॉस्टल को जला देते हैं। उम्मीद हम लोग यही करते हैं, उम्मीद हम लोग यही करते हैं। उसकी डगर मान लीजिए, छात्र राजनीति है अगर वो स्वस्थ होनी चाहिए, उसका जो मोटिव है मोटिव से भटकना नहीं चाहिए। और अगर मोटिव से भटकते हैं तो आप अपनी दिशा से भटक जाते हैं। आप सबको एकजुट होना चाहिए, जहां पर छात्र हितों की बात हो आप सभी छात्र संगठनों को एक होना चाहिए। मैं योगेश जी आपके पास आऊंगा एक फाइनल एक्शन के लिए। सर एक बात संक्षेप में पूजा जी, सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी। सर देखिए कि जिस तरह से कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमसे कहा जा रहा है राजनीति मत करिए, लेकिन राजनीति तो मैडम आप मानिए ना, आप मानिए ना कि राजनीतिक दल हावी हो गए। हम यही तो पिछले एक घंटे से कह रहे हैं। सर प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सर देखिए हम लोग जब आंदोलन करते हैं उसके बाद हम लोगों का निष्कासन निलंबन कर दिया जाता है, गंभीर धाराओं में हम लोगों पे मुकदमा करके हमें जेल भेज दिया जाता है, और जब हम जेल से वापस आते हैं तो हमें छात्र हितों के हितैषी के रूप में ना दिखा करके अपराधी के तौर पे दिखाया जाता है। अभी हाल ही में हमने आग लगाने वाले को तो हम अराजक ही कहेंगे, उसके बाद जो आग लगाएगा जो बम फोड़ेगा उसको हम गुंडे बदमाश की संज्ञा ही देंगे। आप भी वही देंगे, आप भी वही देंगे, ये राजनीति नहीं है। तो छात्रों के दामन पर अगर दाग लग रहे हैं ना, अगर छात्रों के दामन पर दाग लग रहे हैं तो जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि आगे इस तरह से छात्र संगठन बदनाम ना हो। आप लोगों को जरा से आरोप लगा रहे थे सचिन जी, मैं बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म। सरकार का अनुराग तिवारी जी, मैं एक फाइनल रिएक्शन योगेश मिश्रा जी आपसे जरूर लूंगा। अखिल मैं आपसे एक फाइनल रिएक्शन जरूर लूंगा। इस समय जेल में है छात्र हितों के नाम पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा महामंत्री निर्भय प्रताप सिंह ठीक है। अब टाइम अप हो गया अनुराग तिवारी जी, आप कैसे मैं योगेश जी कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर आने वाले वक्त में भी इसी तरह बमबादी होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छात्र संघ चुनाव स्थगित हो जाएंगे या फिर रद्द कर दिए जाएंगे। कब तक होगा ये? आप सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि क्या एनएसयूआई का कोई कार्यकर्ता लखनऊ विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ने आया? एबीवीपी की सर अब टाइम अप हो गया। योगेश जी होते रहे जब आपके लोग सरकार में चलाते रहे थे, आपके गुंडों ने पहले आया है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप समय का अभाव है लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर हो छात्रों के लिए या आप लोगों की राजनीति के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब यूनिवर्सिटीज को ही बांट दिया जाता है, जेएनयू की बात कर दीजिए, तो ये होता है कि एक अलग विचारधारा के लोग वहां पर पढ़ते हैं। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाती है तो यही आरोप वहां पर भी लगते हैं। सवाल यही है कि विचारधारा आप रखिए लेकिन राजनीतिक दल जिस तरह से छात्र संगठनों के चुनाव में हावी होते जा रहे हैं ये छात्र राजनीति के लिए ठीक नहीं है। पहली पाठशाला कही जाती है और अगर पहली पाठशाला में गुण के बजाय छात्र अवगुण सीखने लग जाएंगे तो भविष्य रसातल में ही जाएगा। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना है। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।